हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस हमारी लाइफ को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि जिस लाइफ को बस मैं कुछ घंटे का करने वाली थी उसे हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे का कर लिया था। एंड सभी लोगों से बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई एम थिंकिंग कि मैं इस चैनल पर भी कभी लाइव ज़रूर आऊँगी, और जब भी मैं कभी लाइव आऊँगी मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। एंड कुछ लोगों ने लाइव में मुझसे मेरी इंस्टा आईडी मांगी थी, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे और कुछ लोग कस्टमर्स को अपनी सर्विस दे रहे थे। क्रिस एक लड़की के साथ जा रहा था, तभी एक नैनी नाम की लड़की क्रिस से कहती है, क्रिस तुमसे मिले हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। क्रिस उस लड़की को देख कर कहता है, हे तुम यहाँ पर कब आई? तो वह लड़की क्रिस के नज़दीक जाने लगती है, और तभी वहाँ पर पेक आ जाती है और वह नैनी से कहती है, नैनी तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम वापस आ गई हो, वेलकम पेक, क्या तुम ऊपर जाना चाहोगी? नैनी कहती है, हाँ मैं आज रात यहीं पर रुकना चाहूँगी। और यह कहते हुए वह क्रिस के क्लोज चली जाती है, और फिर वह पेक से कहती है, लेकिन अगर क्रिस मेरे साथ रहेगा तो? तो इस पर पेक कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी तुम्हारे लिए टेबल खाली करवा देती हूँ। और यह कहते हुए वह ए और बी से कहती है कि वह VIP जोन में रहने के लिए टेबल खाली करें, तो वह दोनों हाँ कहके वहाँ से चली जाती है। और जब वह दोनों फॉर्म के पास आती है तो फॉर्म उन दोनों से पूछता है कि क्या वो लोग नैनी को जानती है? तो इस पर ए कहती है हाँ, क्योंकि वह अक्सर यहाँ पर आती रहती है, लेकिन वह ज़्यादातर VIP जोन में ही रहती है, क्योंकि वह क्रिस की रेगुलर कस्टमर है। पहले तो उसने यहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा कर दिया था, क्योंकि वह बहुत ही गुस्सेल स्वभाव की है। जब भी उसका मूड अच्छा होता है तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब भी उसे गुस्सा आता है वह यहाँ पर कुछ ना कुछ तमाशा जरूर करती है। यहाँ सुनकर बेव कहता है, तो फिर पेक ने उसे यहाँ पर आने क्यों दिया? तो इस पर ये कहती है, क्योंकि उसके फादर बहुत ज़्यादा अमीर है और इसीलिए वह उसके सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर देते हैं। तभी भी कहती है, लेकिन मैंने उसे पिछले 2 सालों से यहाँ पर देखा नहीं है, क्योंकि उसके फादर ने उसे स्टडी के लिए अब्रॉड भेज दिया था, क्योंकि उसने मर्डर। तभी वहाँ पर पेक आ जाती है और वह उन लोगों से कहती है, हे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम लोगों को काम नहीं करना? और यह कहते हुए वह सभी को काम बता देती है और सभी को वहाँ से भेज देती है। दूसरी तरफ क्रिस नैनी से कह रहा था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो? तो इस पर नैनी कहती है, लेकिन भला मैं तुम्हें क्यों बताती? इस पर क्रिस कहता है, ताकि मैं तुम्हारी वेलकम की तैयारी कर लेता। दूसरी तरफ हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कुछ देर पहले क्रिस के साथ थी। वह किसी से बात कर रही थी और वह कह रही थी, बॉस अभी तक वह पहुंचा नहीं है और आई थिंक वह आता ही होगा। मैं आपके पास आज रात सारा डाटा भेज दूंगी और किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। फॉर्म भी वहीं से गुजर रहा था तो वह उस लड़की की बातें सुन लेता है और फिर कहता है, बॉस क्या ये वही ब्लैक बॉस है जिसके बारे में क्रिस ने मुझे बताया था? दूसरी तरफ हमें क्रिस को दिखाते हैं जो कि नैनी के साथ लवी डवी बन रहा था, और तभी वहाँ पर पेक आ जाती है जो नैनी से कहती है, तुम्हारा रूम तैयार हो चुका है तो क्या तुम जाना चाहोगी? इस पर नैनी कहती है, क्या मैं एक और बॉय को लेकर जा सकती हूँ? तो इस पर पेक हाँ कह देती है और फिर वो लोग ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर बेव भी जा रहा था तभी फॉर्म आकर बेव को पकड़ लेता है और फिर वह बेव से पूछता है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। इस पर बेव बताता है कि वो लोग VVIP जोन जा रहे हैं। यहाँ सुनकर फॉर्म पूछता है, क्या VVIP जोन? तो इस पर बेव हाँ कहता है। फॉर्म कहता है, उन्होंने तो कहा था कि वो लोग यहीं पर बात करने वाले हैं, आखिरकार चल क्या रहा है? बेव फॉर्म से पूछता है, हे तुम ठीक तो हो ना? तो इस पर फॉर्म हाँ कहता है। बेव कहता है, वैसे भी उन लोगों से कौन बात करने वाला है? यह कहते हुए वह वहाँ से आगे जाने लगता है, लेकिन तभी फॉर्म बेव का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, प्लीज़ क्या तुम मेरी मदद करोगे? बेव कहता है, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? वैसे अगर तुम अपने रेगुलर कस्टमर का अच्छे से ख्याल रखोगे तो तुम्हें वैसे ही VIP जोन में जाने का मौका मिल जाएगा। यह सुनकर फॉर्म कहता है, नहीं मेरा वो सब कहने का मतलब नहीं है। दूसरी तरफ हमें पोको दिखाया जाता है जो कि प्रवीणा और थेनतोड के साथ था, और तभी वहाँ पर नैनी और क्रिस भी आ जाते हैं। वो नैनी को उसकी और थेनतोड के होने वाली सीरीज के बारे में बताने लगता है, लेकिन थेनतोड को तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग लग रहा था। और यह सुनकर प्रवीणा टॉपिक चेंज करते हुए नैनी से कहती है कि वो लोग बस सीरीज के लिए इन्वेस्ट नहीं करें, बल्कि इस पूरे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए करें, इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा और इसके लिए
उन्होंने ऑलरेडी उसके डैड से बात कर ली है, लेकिन तभी थैंतोर कहता है और अगर स्टोरी लाइन नहीं चेंज कर दी जाए तो इससे अच्छा है कि मेन कपल को ही चेंज कर दिया जाए, क्योंकि मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता। यह सुनकर नैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्रवीणा थैंतोर को चुप रहने का इशारा करती है और फिर वो नैनी को बताने लगता है कि वो लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। थैंतोर कहता है आप लोगों की बातें हो चुकी हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यह कहते हुए वह निकल जाता है। दूसरी तरफ फॉर्म को दिखाते हैं जो कि निंग के साथ था, और तभी वह बो और प्रवीणा को नीचे आते हुए देखता है तो वह निंग से कहता है कि वह अभी रेस्टरूम होकर आता है, और यह कहते हुए वह वहाँ से निकल जाता है। और फिर वह बेव के पास आता है और उससे पूछता है तो कैसा रहा, क्या तुम्हें वहाँ से कुछ मिला। बेव कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ पर पार्क आ जाता है तो बेव फॉर्म से कहता है कि वो लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। यह सुनकर पार्क कहता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो और क्या तुम्हें काम पर नहीं चलना, और यह कहते हुए वह बेव को लेकर जाने लगता है। और फिर वह फॉर्म से कहता है तुम यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो, जाकर अपना काम करो, और यह कहते हुए वह निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं क्रिस और फॉर्म दोनों ड्रिंक कर रहे थे और तभी वहाँ पर पार्क और बेव दौड़ते दौड़ते आते हैं तो क्रिस उनसे कहता है हे क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर इतने घबराए हुए क्यों आए हो। पार्क कहता है बहुत कुछ पड़ा हुआ है, और यह कहते हुए वो दोनों उन दोनों को न्यूज़ दिखाने लगते हैं। क्रिस न्यूज़ रीड करने लगता है जिसमें लिखा था एक होस्ट बार का होस्ट एक वीक गायब रहने के बाद अधूरी हालत में एक बिल्डिंग के पास मिला है जिस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। फॉर्म उस पर्सन को पहचान जाता है और कहता है ये तो रॉन्ग है ना, हमारा टॉप टायर होस्ट जो लास्ट वीक की VIP जोन को संभाल रहा था, उसे देख कर बेबी कहता है हाँ ये तो उसी की पिक्चर है। यह सुनकर क्रिस कहता है ओ शिट, उस दिन तो प्रोंग के साथ मैं भी था, लेकिन हमारे ग्रुप के कस्टमर तो इतने खतरनाक नहीं लग रहे थे और उन्होंने तो इसके लिए अच्छा खासा अमाउंट भी दिया था। फॉर्म कहता है तभी तो कहते हैं कि किसी को भी देखकर हम उसके नियत का पता नहीं लगा सकते, वैसे हम लोगों को जाकर उससे मिलना चाहिए ताकि उसे भी लगे कि हम लोग उसके साथ हैं, तो इस बात पर वो लोग एग्री करते हैं। क्रिस कहता है मुझे लगता है कि अब तो हमारा काम और भी ज़्यादा रिस्की हो गया है, हमें तो पता भी नहीं अगले ही वक्त हमारे साथ क्या हो सकता है। पार्क कहता है तो फिर हमारी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा। इस पर बेव कहता है सच तो यह है कि VIP लोगों के बहुत बड़े कनेक्शन होते हैं और इसमें तो पुलिस भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। यह सुनकर पार्क खड़ा हो जाता है और कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग अपनी जॉब क्वाइट कर दे और एक अच्छे से फनी और सेफ जॉब ढूंढ ले। यह सुनकर क्रिस कहता है हाँ ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तुम ये बताओ जॉब छोड़ने के बाद तुम क्या करोगे। बेव कहता है मुझे गेम खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए अगर मैं किसी कंपनी में जॉब भी नहीं कर पाया तो शायद मैं एक IT डिपार्टमेंट में प्रोग्रामर तो बन ही जाऊँगा। पार्क कहता है मुझ जैसा हैंडसम और आउटस्टैंडिंग पर्सन तो एक इन्फ्लुएंसर या फिर एक एक्टर ही हो सकता है। यह सुनकर क्रिस कहता है हाँ इस चेहरे के साथ तुम फोक ओपेरा में एक ओपिंग हीरो तो बन ही जाओगे, और यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और पार्क को टीच करने लगते हैं। यह सब देखकर पार्क क्रिस से पूछता है तुम बस दूसरों की बातें करते रहते हो, तुम अपना बताओ तुम अगर होस्ट नहीं होते तो फिर तुम क्या करते। तो इस पर क्रिस कहता है मैं एक सेफ बनना चाहता हूँ और खुद का एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं काम तब तक करूँगा जब तक कि मैं खुद का एक अपना रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर लेता। यह सुनकर वह क्रिस से कहता है और क्या तुम्हें लोग सेफ बनने देंगे, फूलो मत तुम अभी भी अच्छे से एक भी फ्राई नहीं कर पाते। यह सुनकर पार्क क्रिस से कहता है तुम्हें दूसरों के लिए खाना बनाने से पहले खुद एक फ्राई करना सीख लेना चाहिए, और यह सब कहते हुए वो सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी फॉर्म कहता है वैसे होस्ट बनने के भी अपने ही फायदे होते हैं, इसके जरिए हम हमारे कस्टमर्स का अच्छे से ख्याल रख पाते हैं, वो जब भी किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं हम लोग उन्हें सुनते हैं और उन्हें अच्छा फील करवाते हैं। यह सुनकर पार्क फॉर्म से कहता है हाँ ये सब तो तुम सच कह रहे हो, अब मुझे पता चल गया कि तुम पर कौन से जॉब छूट करेगी, तुम्हें तो एक सोशल वर्कर होना चाहिए क्योंकि तुम जैसे लड़के पर तो यही जॉब सूट करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जब क्रिस और फॉर्म दोनों घर जा रहे थे तो फॉर्म क्रिस से पूछता है कि तुम्हारी लास्ट नाइट के कस्टमर कैसे थे, तो इस पर क्रिस पूछता है तुम किसके बात कर रहे हो। फॉर्म कहता है नैनी की, तो इस पर क्रिस कहता है लेकिन तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। फॉर्म कहता है क्योंकि तुम दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे थे और तुम उसे इतना खुश क्यों कर रहे थे। यह सुनकर क्रिस कहता है क्योंकि वह मेरी कस्टमर है इसलिए मैं उसे खुश क्यों नहीं करता, और वैसे तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम जेलेस हो,
दोस्त परफॉर्म कहता है, हाँ हूँ मैं जेलिस, जब भी तुम किसी के साथ होते हो तो मैं जेलिस होता हूँ। इस पर क्रिस कहता है, लेकिन तुम जेलिस क्यों होते हो? हम कहता है, तुम नहीं जानते हम दोनों ने कितना वक्त साथ में बिताया है, इसीलिए जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर क्रिस कहता है, तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो, और यह कहते हुए वह वहाँ से उठकर चला जाता है। और जब क्रिस चावल लेने के लिए आता है तभी वहाँ पर फॉर्म भी आ जाता है, और वह क्रिस से कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चावल ले सकता हूँ? तो इस पर क्रिस कहता है, नहीं मैं अकेला लेना चाहता हूँ। लेकिन फॉर्म कहता है, मैंने कहा ना हम दोनों साथ में चावल लेंगे। और यह कहते हुए वह क्रिस के क्लोज आ जाता है और फिर वह उसे किस करने लगता है। कुछ देर क्रिस सोक हो जाता है लेकिन फिर भी वह रिस्पॉन्स करने लगता है, और ऐसे ही उन दोनों का काफ़ी देर तक बाथटब रोमांस चलता है। अगले दिन फॉर्म बेव से मिलने के लिए आ जाता है और उसे लास्ट नाइट के बारे में पूछता है। तो बेव कहता है, लास्ट नाइट इतना कुछ तो नहीं हुआ था, लेकिन अगर कुछ हुआ भी है तो वह इसमें है। और यह कहते हुए वह फॉर्म को एक पेन ड्राइव दे देता है। फॉर्म पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बेव कहता है, बस ऐसा लग रहा था कि वो लोग कुछ अजीब ही बिहेव कर रहे हैं, लेकिन मैं अच्छे से अंदर देख नहीं पाया। और तभी उसके पास पार्क का कॉल आ जाता है, और उन दोनों की बातें सुनकर फॉर्म बेव से पूछता है, हे तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तो उस पर बेव कहता है, कुछ नहीं। और ये कहते हुए और जब वे लोग घर आ रहे थे तो बेव कहता है, इस टॉय में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। यह सुनकर फॉर्म कहता है, हाँ इसमें कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी कुछ और है। यह सुनकर बेव कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो इस पर फॉर्म कहता है, तुम्हारे और पार्क के बीच क्या चल रहा है? तो इस पर बेव कहता है, मैंने कहा ना हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा। फॉर्म कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो अचानक आकर बेव को हक कर लेती है, जो कि चिली थी। चिली को देखकर बेव कहता है, चिली तुम यहाँ पर कैसे आई? चिली कहती है, क्योंकि तुम घर नहीं आए और मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। फॉर्म चिली को देख कर कहता है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो इस पर बेव कहता है, नहीं ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो फिर फॉर्म ओके कहता है और वहाँ से निकल जाता है। फॉर्म के जाने के बाद बेव चिली से पूछता है, बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई, और क्या मॉम को पता है कि तुम यहाँ पर आई हो? तो उस पर चिली कहती है, नहीं उन्हें नहीं पता, मैं यहाँ पर अकेली ही आई हूँ। यह सुनकर बेव कहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? चिली कहती है, वो मुझे फॉर्चून टेलर ने बताया था। तो उस पर बेव कहता है, चिली ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। चिली कहती है, वो मैंने तुम पर स्पाई किया था और वह काफ़ी क्यूट थी। यह सुनकर बेव कहता है, क्या कहा तुमने और कौन क्यूट थी? चिली कहती है, कोई नहीं वो बस मैंने खुद से ही पता लगा लिया, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह सुनकर बेव पहले तो चारों तरफ देखता है और फिर वह चिली से कहता है, एक्चुअली मैं यहाँ पर कुछ पता लगाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर चिली जोर से चिल्ला उठती है, क्या? यह सुनकर बेव कहता है, ही धीरे बोलो, और तुम्हारे अलावा यहाँ पर और किसी को नहीं पता है। मैंने इसीलिए तुम्हें बताया क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन प्लीज़ किसी को भी इस बारे में मत बताना। तो इस पर चिली भी ओके कहती है। बेव कहता है, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ पता लगाना है। यह कहते हुए वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वह फिर से चिली की तरफ घूमकर कहता है, किसी को भी मत बताना। चिली कहती है, ठीक है तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। यह सुनकर वह स्माइल करता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ प्रवीणा को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे कोंग से बातें करते हुए क्लिनिक आ रही थी, तभी वह एक पर्सन से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसका सामान नीचे गिर जाता है। वह पर्सन प्रवीणा को उसका सामान देता है, और जब प्रवीणा उस पर्सन की तरफ देखती है तो उसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाता है। लेकिन तभी वह पर्सन प्रवीणा से कहता है, आप ठीक तो है ना? प्रवीणा कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यह कहते हुए वह फिर से अपने बेटे से बातें करते हुए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग को दिखाते हैं जो कि प्रवीणा से ही बातें कर रहा था, और वह अपनी मॉम से बात करने के बाद बाहर आकर किसी को देखने लगता है। और तभी वहाँ पर वहाँ की एक मेड आ जाती है जो कॉन्ग से पूछती है कि आप क्या देख रहे हो मास्टर? तो उस पर कॉन्ग कहता है, वो मैंने अपने फ्रेंड को यहाँ पर इनवाइट किया था। यह सुनकर वह मेड पूछती है, क्या आपकी मॉम को इस बारे में पता है? इस पर कॉन्ग कहता है, मैंने अभी अभी मॉम से बात की थी और ये वो यहाँ पर नहीं आने वाली है, तो प्लीज़ आप इस बारे में मॉम को मत बताइएगा। यहाँ सुनकर वह मेड कहती है, ठीक है मास्टर मैं उनको नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कॉन्ग का फ्रेंड आ जाता है। कॉन्ग अपने फ्रेंड को एक पेंटिंग बोर्ड के पास लेकर आता है।
पाइकोंग से कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, क्या तुम्हारी मॉम तुम पर गुस्सा नहीं होगी? इस पर कोंग कहता है, मॉम अभी अपने काम में बिजी है, इसीलिए वह घर लेट से आएगी। यह सुनकर पाई कहता है, तुम्हारी मॉम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसके बावजूद भी तुम मेरे फ्रेंड बने हो, थैंक यू सो मच। यह सुनकर कोंग कहता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि तुम मेरे इकलौते फ्रेंड हो। और यह कहते हुए फिर वह पाई को पेंटिंग सिखाने लगता है। और जब वह पाई को पेंटिंग करने के लिए कहता है तो पाई के हाथ सेक कर रहे थे। यहाँ देख कर कौन कहता है, हे तुम्हारे हाथ क्यों सेक कर रहे? जब भी तुम कुछ ड्रॉ करते हो तो तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए। इस पर पाई कहता है, लेकिन मैं पेंटिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ। कौन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी तुम किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हो उसमें बस तुम्हें अपने फीलिंग्स को दिखाने की ज़रूरत है। यह सुनकर पाई ओके कहता है। दूसरी तरफ हमें प्रवीणा को दिखाया जाता है जो कि क्लिनिक में अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, और तभी नर्स उसे अंदर जाने के लिए कहती है। तो प्रवीणा उस पर्सन की तरफ देखते हुए वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाती है। दूसरी तरफ पाई को दिखाते हैं जो कि पेंटिंग करते करते अपनी नोज को रब करने लगता है, जिसकी वजह से उस पर पेंट लग जाता है। कौन कहता है, देखो तुम्हारे चेहरे की तरफ। यह सुनकर पाई कहता है, क्या हुआ मेरे फेस को? और यह कहते हुए वह फिर से अपने नाक को रब करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर और पेंट लग जाता है। यह देखकर कोंग उसे क्लीन करने के लिए नज़दीक आता है, लेकिन वह उसे वाइप नहीं करता। तो पाई कहता है, क्या हुआ, तुम वाइप क्यों नहीं कर रहे? तो यह सुनकर कोंग कहता है, वो बस मैं तो मजाक कर रहा था। पाई कहता है, ओ तो तुम मजाक कर रहे थे। और यह कहते हुए वह कोंग को पेंट लगा देता है, और फिर दोनों काफ़ी मस्ती करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें प्रवीणा को दिखाया जाता है जिसके पास ब्लैक बॉस का कॉल आता है, और फिर वह उसके पास किसी चीज़ के बारे में पूछता है, और जब प्रवीणा चेक करती है तो वह उसे नहीं मिलती, और तभी क्लिनिक से वही पर्सन बाहर निकलता है। तो प्रवीणा को उसे देखकर याद आता है कि एंट्रेंस पर यही पर्सन उससे टकराया था, तो वह उसके पास जाती है और उससे कहती है, जब मैं तुमसे टकराई थी तो क्या तुमने मेरा कुछ सामान लिया था? वो मुझे वापस दो। यह सुनकर वह पर्सन कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मुझे चेक कर सकती हो। यह सुनकर प्रवीणा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और फिर पेक के पास कॉल करके उससे पूछती है कि क्या वह कोई कल सामान छोड़ कर आई थी। तो पेक कहती है, ओ हाँ, मैं सोच रही थी कि यह सामान किसका है, ओ तो ये तुम्हारा है। तो प्रवीणा हाँ कहती है और कॉल कट के उस पर्सन के पास आकर कहती है, आई एम सॉरी, वो मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। तो यह सुनकर वो पर्सन कहता है, कोई बात नहीं, तो कैसा रहेगा कि तुम माफ़ी के तौर पर एक खाने की ट्रीट दे दो? तो इस पर प्रवीणा कहती है, मैं अभी तो नहीं चल सकती, लेकिन नेक्स्ट टाइम चलूँगी। तो इस पर वह पर्सन कहता है, ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो ताकि मैं तुम्हें मैसेज कर पाऊँ? तो इस पर प्रवीणा उसे अपना फ़ोन दे देती है। दूसरी तरफ हमें फ़ोन को दिखाया जाता है जो कि उस पेन ड्राइव को चेक कर रहा था, और तभी वहाँ पर व्यू आ जाता है और वह फॉर्म से पूछता है, क्या हुआ, क्या कुछ काम बना? तो इस पर फॉर्म कहता है, नहीं, क्योंकि ये लॉक्ड है। यह सुनकर वे फॉर्म से लैपटॉप ले लेता है और फिर कहता है, मुझे से गेम के एडिक्टेड होने का यही फ़ायदा है। और यह कहते हुए वह उसे अनलॉक करने लगता है, और फिर वह अनलॉक करके फॉर्म को दे देता है। फॉर्म उसे चेक करने लगता है जहाँ पर एक लिस्ट थी, लेकिन तभी उसकी नज़र किसी पर्सन पर पड़ती है, तो फिर वह तुरंत टेस्ट को नीचे कर देता है। यह देखकर बे पूछता है, हे क्या हुआ, तुमने टेस्ट को नीचे क्यों किया? तो इस पर फॉर्म कहता है, वो मैं अभी खुद ही देखना चाहता हूँ, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तो बे ओके कहता है और वहाँ से चला जाता है। बे के जाने के बाद फॉर्म उस लिस्ट को चेक करता है जहाँ पर उसे ब्लैक बॉस की लिस्ट में क्रिस का नाम नजर आता है, और तभी वहाँ पर क्रिस भी आ जाता है, और फिर वह फॉर्म से पूछता है, हे तुम क्या कर रहे हो? क्रिस की आवाज़ सुनकर फॉर्म तुरंत डेस्क को नीचे कर देता है और कहता है, नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन क्रिस ने वो सब देख लिया था, तो फॉर्म से कहता है, तुम इतने जिद्दी क्यों? मैंने तुमसे कहा था मेरे मामले में दखल मत देना, और अगर कुछ भी चीज़ गड़बड़ हो गई तो फिर तुम क्या करोगे? तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है वो लोग। फॉर्म क्रिस से कहता है, रुक तो तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्रिस कहता है, तो फिर तुम मेरे काम में दखल क्यों दे रहे हो? फॉर्म कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है।
यह सुनकर क्रिस चुप हो जाता है। मॉम फिर क्रिस से कहता है, क्रिस प्लीज़ अभी भी देर नहीं हुई है, प्लीज़ इन सब से पीछे हट जाओ, मैं तुम्हारा फ्यूचर से बॉयफ्रेंड हूँ और जिस दिन तुम मरे थे अभी भी वो किस्सा मेरे दिमाग में है, वो सब मैं भूल नहीं पा रहा, प्लीज़ ये सब छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से वही सब करो। यह सब सुनकर क्रिस बस फॉर्म की तरफ ही देखने लगता है। फॉर्म क्रिस को हक्का लेता है और वह रोते हुए कहता है, प्लीज़ क्रिस ये सब छोड़ दो, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।